स्वागत है आप सभी लोग जेटेक बॉस के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल में अपनी खुद की फ़ोटो लगाना चाहते हैं या किसी और की भी फोटो लगाना चाहते हैं तो उस सेटिंग को कैसे इनेबल करना है, उसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार है जेटेक बॉस पे, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड है जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वो भी अपने नोटिफिकेशन पैनल को कुछ इस तरह का करना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का फोटो लगाना चाहते हैं या मल्टी कितनी भी फोटो चाहे आप लगा सकते हैं, अपनी खुद की फोटो या अपने फ्रेंड की फोटो या आप कोई भी डाउनलोडेड फोटो या कोई बैकग्राउंड अलग करना चाहते हैं, जैसे इसमें वाइट बैकग्राउंड है तो आप इसको अलग करना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं सब कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरीके से एक छोटी सी ऐप को, 5 से 7 MB की ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में खुद की फ़ोटो या अपने फ्रेंड की फ़ोटो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, खुद की फ़ोटो या अपने फ्रेंड की फ़ोटो या किसी भी फ़ोटो को आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। सिर्फ ये नहीं, खुद की फ़ोटो बैकग्राउंड कोई फ़ोटो कहीं से डाउनलोड की उसको भी लगाना है तो नोटिफिकेशन पैनल में किसी भी फ़ोटो को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता मेरे मोबाइल स्क्रीन पर और आप बहुत स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए और उसी तरीके से आप उस सेटिंग को इनेबल कीजिए और आप खुद के स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पैनल पे लगा लीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को चौंका दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आ गया हूँ प्ले स्टोर पे और इस ऐप का जो नाम है मटेरियल नोटिफिकेशन शेयर करके ऐप का नाम है और उसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.2 की रेटिंग है। तो ये ऐप अच्छी है, एक छोटी सी ऐप है। तो जैसे मैं इसको डाउनलोड पे लगाया, 1 सेकंड मिल लगा और ये डाउनलोड हो गया। तो आपको इसी तरह से डाउनलोड करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद सबसे ऊपर देखिए ऑफ लिखा हुआ, उसको ऑन करना है। सबसे पहले ये काम करना, उसके बाद ये चारों पैनल आया, इस चारों पैनल को इनेबल करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले वाइट जो दिख रहा है, जो बैकग्राउंड वाइट रखना है, तो वाइट को मैं इनेबल करता हूँ। जैसे उस पर क्लिक मारा तो अलाउ करने को बोला तो मैं अलाउ कर दिया। फिर बैक जाता हूँ, फिर डेरिंग को मैं इनेबल करता हूँ। फिर मैं बैक गया तो वो इनेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप एक्सेसिबिलिटी को इनेबल कर देंगे तो वो भी दिखने लगेगा। तो चलिए मैं एक्सेसिबिलिटी में जाता हूँ, तीसरे नंबर पे गया, सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन जो है उस पर इनेबल करना है। एक्सेसिबिलिटी में आप अपने सिस्टम में इसको अलाउ कर दीजिए, तो ओके बोल रहा है, मैं ओके कर दिया। फिर बैक गया तो यहाँ देखिए, अभी मैं बैक जाऊंगा तो तीनों आ जाएगा, तीनों देखिए इनेबल हो गया। अब नोटिफिकेशन को मेरे को इनेबल करना है, तो यहाँ मोटो लॉन्चर था, अब मैं इसको इनेबल करना है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक मारा था अलाउ बोलना करने को, तो मैं अलाउ दे दिया, मैं परमिशन दे दिया उसको। अब ये जाके डन पे क्लिक मारना है, ये चारों इनेबल हो गया और डन पे क्लिक मारना है। उसके बाद यहाँ देखिए शैडो दिखा रहा है ऊपर, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, मेरे नोटिफिकेशन में अभी कुछ भी सेटिंग नहीं है तो मैं आपको सामने सेटिंग भी करके दिखाऊंगा। ये चारों को इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद यदि कस्टम बैकग्राउंड इमेज जो दिखा रहा है, कस्टम बैकग्राउंड इमेज, उस पर आपको क्लिक मारना। इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग है लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए सिलेक्ट बोल रहा करने को, रिमूव करने को बोला और सिलेक्ट करने को, तब मुझे सिलेक्ट करना है कौन सा फोटो लेना है। एक दो अलाउ मांगेगा, उसके बाद आपको बोलेगा आपकी गैलरी में से कोई फोटो उठा के ला सकते हैं, गैलरी में से ला सकते हैं, ड्राइव में से ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें बहुत सारी फोटो, जितनी भी फोटो चाहे एडिटिंग की हुई हो या ना एडिटिंग की हुई, कोई भी मोबाइल कैमरा से खींची हुई फोटो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने एडिटिंग करके एक दो फोटो रखा हूँ, पहले वो फोटो लगा के दिखा देता हूँ, बाद में आप कोई भी। उसके बाद जैसे फोटो पर क्लिक मारेंगे तो यहाँ बोलेगा क्रॉप, आप क्रॉप पर क्लिक मारेंगे वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो मैं ये फोटो देख लिया और मैं क्रॉप पे क्लिक मारा, अब जाके मैं नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ आपको कि वो सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं सामने आपके वो सेट हो चुका है। चलो मैं आपको फिर से फोटो चेंज करके दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। पहले आप जैसा सेटिंग मैंने कहा था वैसा सेम करना है, उसके बाद आपको ये इनेबल करना है। तो यहाँ देखिए मैं इसको कर चुका हूँ, अब मैं बैक फिर से बैक जाता हूँ और बैक जाके आपको मैं दूसरी फोटो लगा के दिखा देता हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ ये सही में होता कि नहीं। फिर से बैकग्राउंड में गया, बैकग्राउंड इमेज में फिर से अलाउ मांगा और मैं दूसरी फोटो ले लेता हूँ। कौन सी फोटो ले लूँ, चलो ये सामने पर ही इसी फोटो को ले लेते हैं, ये सामने फोटो पर ही है। आप जो फोटो एडिटिंग किया वो भी लग सकती है, बिना एडिटिंग की फोटो जो कैमरा से खींची हुई वो भी लग सकती है। यहाँ देखिए मैं लग गया, बैकग्राउंड इसका ब्लैक था तो ब्लैक में आया है, व्हाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी कलर है इसमें एडजस्ट करने को तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए, क्योंकि इस तरह की जेन्युइन वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो थैंक यू और फिर मिलेंगे।